सब लोग को गुड आफ्टरनून लाइव हो गए आप लोग सब लोग जल्दी जल्दी हो जाइए गुड आफ्टरनून सब लोग को देखिए इससे पिछले क्लास में जो फ्राइडे के दिन बैच अलाउंस था उस दिन एक भी क्लास नहीं हो पाया था कुछ प्रॉब्लम थे टेक्निकल प्रॉब्लम जिस वजह से क्लास नहीं हो पाया था बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी इस वजह से कुछ नहीं कई सारे टेक्निकल फॉल्ट आ गए सब अब वो हम लोग फर्स्ट क्लास आज से करेंगे हम लोग नक्शा का तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं देखिए इस क्लास को सबसे बेहतरीन ढंग से वही समझेगा जिसको कुछ नहीं आता है आप दिमाग से उतार दीजिए कि आपको कुछ आता है आप यहां समझने बैठे कि मैप के बारे में आपको पढ़ना है मानचित्र क्या होता है मैप पढ़ेंगे फिर एटलस पढ़ेंगे फिर ग्लोब पढ़ेंगे पॉलिटिकल थेमेटिकल ये सारी चीजों को आपको समझ में आएगा ए टू जेड इस सारी की जिम्मेदारी आप हमको दे दीजिए आपको टेंशन नहीं लेना है देखिए मैप क्या होता है मानचित्र हिंदी में उसे क्या कहते हैं मानचित्र मैप मैप पूरे पृथ्वी या उसका किसी भूभाग को जैसे मान लीजिए टोटल ये अर्थ ले लीजिए या केवल इंडिया लीजिए या केवल बिहार झारखंड यूपी राजस्थान मध्य प्रदेश कुछ भी एक हिस्सा ले लीजिए तो पूरी पृथ्वी या उसके किसी भूभाग को कागज पर या कपड़े पर हुबहू उतार देना एक नक्शा बना देना नक्शा तैयार कर देना होता है उसी को हम क्या कहते हैं नक्शा तो छठवीं शताब्दी में एक व्यक्ति थे मार्केली नाम था उनका तो मार्केली ने एक ऐसा किताब बनाया जिस किताब में न केवल नक्शा था तो लोग वो किताब को पलटते गए देख रहे हैं कि उसमें तो कुछ है ही नहीं है केवल नक्शा है तो एक ऐसी किताब जिसमें दूसरा कुछ भी ना हो केवल नक्शा हो तो ग्रुप ऑफ मैप हो केवल कलेक्शन एटलस तो ये हो गया आपका बुक एटलस, तो एटलस क्या होता है एटलस। देखिए एटलस है क्या कि एक किताब होता है उसमें केवल और केवल आपको नक्शे बनाए रहते हैं ये किताब आपको खरीदनी पड़ेगी हम बताएंगे कब लेना है अभी आप धीरे धीरे समझते चलिए जल्दबाजी नहीं करेंगे जिसको समझ में नहीं आएगा जो कुछ नहीं जानता है वो सबसे ज्यादा समझ की जाएगा क्योंकि नया मेमोरी में डाउनलोडिंग तेजी से होता है अब पहले से वायरस भर के आए हैं लोगों ने तो फिर वही ते, डाउनलोड तेजी से नहीं होगा तो अगर कोई आपसे कहे एटलस क्या है तो एक ऐसी किताब जिसमें खूब सारे नक्शा उसे एटलस कहते हैं तो फिर इसका नाम एटलस क्यों पड़ा तो देखिए जब मार्केली ने इसे छठी शताब्दी में बनाया था तो इसके ऊपर जो कवर लगाया था जैसे इसके ऊपर एक ग्लोब का कवर है तो उसने जो कवर लगाया था उसने एटलस का कवर लगा दिया था एटलस एक देवता है ग्रीक भाषा में

एटलास के अंदर कौन सी चीजें होती हैं तो एटलास के अंदर होती है मैप मैप कई टाइप के होते हैं सर अब इसमें आते हैं हम लोग पोलिटिकल थेमेटिकल कई टाइप के मैप होते हैं यहां हम आपको दो तरह के मैप दिखा रहे हैं एक मैप है आपका पोलिटिकल और एक मैप आपका सॉरी फिजिकल यहां अब इसमें फिजिकल और पोलिटिकल में अंतर समझिए यह वाला जो मैप देख रहे हैं ये एक मैप है पोलिटिकल मैप ऑफ इंडिया राजनीतिक नक्शा कहते हैं इसमें आपको देश और राज्य जो होते हैं ना आपका है, जितने भी स्टेट हैं और आपकी ए, कंट्री है कोई भी कंट्री या स्टेट इसकी बाउंड्री आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगी जैसे जम्मू कश्मीर यहाँ है कहाँ ख़त्म हुआ आपको समझ में आ जाएगा गुजरात ये है वाला स्टेट है ये कहां खत्म हुआ कहाँ से शुरू हुआ आपको इजीली आइडिया लग जाएगा तो ऐसे नक्शा को हम पॉलिटिकल कहते हैं जिसमें केवल राजनीतिक महत्व की चीजें दिए रहे हैं यूपी कहाँ से शुरू है मध्य प्रदेश कहाँ है नेपाल चाइना अमेरिका तो ये सारी चीजें जो द... केवल और केवल राजनीतिक महत्व की चीजें हैं उसे देखने के लिए हम लोग कौन सा नक्शा का प्रयोग करते हैं पोलिटिकल मैप का प्रयोग करते हैं समझ में आ गया कि नहीं आ गया किसी को कोई दिक्कत नहीं है अब आगे देखिए फिजिकल मैप क्या होता है सेम टू सेम पॉलिटिकल मैप का ही होता है फिजिकल मैप लेकिन इसमें नेचुरल महत्व की चीजें दी गई रहती हैं प्राकृतिक चीजें दी गई रहती हैं उसे हम लोग कहते हैं फिजिकल मैप फिजिकल मैप में आप ये नहीं समझ पाएंगे कौन सा स्टेट कहाँ से शुरू हुआ कहाँ खत्म हो गया जैसे यहाँ आपको अंदाजा लग रहा है कि ये वाला गुजरात है आप इसी बेसिस पर यहाँ आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गुजरात यहीं होगा लेकिन आप ये कन्फर्म नहीं बता पाएंगे कि गुजरात यहाँ कहाँ से शुरू और कहाँ से खत्म हो गया है तो वैसा नक्शा जिसमें आपको पॉलिटिकल महत्व की चीज़ें दी गई रहती हैं उन्हें हम लोग कहते हैं पॉलिटिकल मैप और जिसमें नेचुरल चीज़ें दी गई रहती हैं उसे हम लोग कहते हैं हम लोग फिजिकल मैप अब आप कहेंगे कि इसमें ज़रूरी कौन है तो देखिए बकलोल जो लोग होते हैं उनके लिए पोलिटिकल अच्छा है और जो होशियार लोग हैं उनके लिए फिजिकल अच्छा है फिजिकल में बहुत सारी जानकारियाँ दी रहती हैं पोलिटिकल में बहुत सारी जानकारी नहीं दी रहती हैं समझिए कौन कौन सी जानकारी होगी ये कौन सा मैप है पॉलिटिकल है ये वाला फिजिकल है अब हम आपको अच्छे से समझा देते हैं। इसमें पॉलिटिकल मैप में कुछ खास नहीं होता है मेन होता है आपका फिजिकल मैप यहां फिजिकल मैप में अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको कई कलर्स दिखाई देंगे आप कहेंगे कि इससे पहले वाले में भी तो कई कलर थे लेकिन वो कलर हमारी मर्जी पर है पॉलिटिकल मैप में आपकी मर्जी चलती है आप जिस रंग से उसे रंगना चाहें रंग सकते हैं लेकिन फिजिकल मैप में आपकी मर्जी नहीं चलेगी फिजिकल मैप में है कि भूरा रंग से आपको पहाड़ रंगना है तो यहाँ देख रहे हैं आपको भूरा रंग से क्या रंगा हुआ है पहाड़ जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड इसमें पहाड़ रंगे हुए हैं सब आपको अगर ये दिख रहा होगा तो ये पहाड़ है यहाँ सिक्किम में भी ब्राउन कलर है यहाँ पर भी ब्राउन कलर है ये ये ब्राउन कलर से ही पहाड़ रंग सकते हैं तो ये फिजिकल में एक खासियत ये है कि अगर आपको कहीं पे भी ब्राउन कलर दिखाई देता है तो आप समझ जाइए कि वहां पर क्या चीज है पहाड़ है तो दिखाई क्लियर नहीं दे रहा है इसमें देखें गुड आफ्टरनून डाउ ओके okay, बहू आप लोग को देखिए जब भी क्लास करना आप कर सकते हैं इसके बाद भी अगर भी आपके पास मतलब इस टाइम नहीं कर सकते तो आगे भी कर सकते हैं रिकॉर्डेड क्लास बचा हुआ रहेगा आगे देखिए भा कुछ आ, सर क्वालिटी लो हाई करने का ऑप्शन नहीं दिया है आपके नेटवर्क पे डिपेंड करेगा ये आपके यहाँ नेटवर्क सही रहेगा तो कर देंगे नहीं रहेगा तो नहीं कर पाएंगे अब आप, आप किस एरिया में ही डिपेंड करता है आगे देखिए वो कुछ लोग को ब्राइटनेस का दिक्कत हो रहा है देखिए मैप ही है उस टाइप का आगे आगे आपका दूसरा मैप लेंगे उसमें आपको अच्छा से समझा देंगे अभी आप यहाँ समझिए यह हल्का आपको ब्राउन दिख रहा है ना तो ब्राउन का मतलब क्या होता है आपका पहाड़ है वहां पर इससे काफी फायदा होता है आप जैसे मान लीजिए कोई पायलट है अब अगर कोई पायलट है उसे आपने पोलिटिकल नक्शा दे दिया है तो पोलिटिकल नक्शा में उसको कहाँ समझ में आएगा ऊँचा कौन है नीचे कौन है लेकिन अगर वही फिजिकल नक्शा है तो वो देख लेगा कि भाई भूरा कलर का इसको हाइट बढ़ाना पड़ेगा वरना लड़ जाएगा अब एक और चीज इसमें होगा कि कहाँ पहाड़ की ऊंचाई ज़्यादा है और कहाँ पहाड़ की ऊंचाई कम है ये कैसे पता चलेगा अब आप खुद सोचिए कि अगर भूरे रंग से पहाड़ है तो ये तो भूरा रंग का मतलब हो गया पहाड़ लेकिन हाइट कैसे दिखाएंगे तो इसमें भूगोल वेताओं ने दिमाग लगाया उन्होंने क्या किया कि कलर को डार्क और लो करना चालू किया जहां एकदम चटकार रंग से रंग दिया भूरा रंग से जहाँ चटकार भूरा है तो उसको समझ लिया कि वहाँ का पहाड़ की ऊंचाई ज्यादा है और जहाँ हल्का भूरा है अब अगर इंडिया के बीच में देखेंगे ना तो हल्का हल्का भूरा यहाँ भी दिख रहा होगा बीच में हल्का ब्राउन दिख रहा होगा हम आगे आपको अभी क्या है कि आपको पूरा नक्शा नहीं मिला होगा तो एक्चुअली क्या है कि अभी हम पूरा नक्शा ले लिए हैं धीरे धीरे करके आपको जब एक आइडिया लग जाएगा तो आपको एक एक राज्य के नक्शा के हिसाब से पढ़ाएंगे तो ये आपका हो गया आपका कश्मीर का तो अगर कलर भूरा है डार्क कलर है तो मतलब समझिए उस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा है यानी भूरा कलर किसको दिखाता है तो भूरा कलर दिखाता है आपको भाई पहाड़ को तो पहाड़ वहाँ पे ज़्यादा है और अगर भूरा रंग पंचुछूर हो जाएगा पंचुछूर का मतलब समझते हैं पतला तो जब कभी भी भूरा रंग पतला हो गया तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ पर पहाड़ की हाइट कम है तो हाइट ज़्यादा रहने पे कलर ज़्यादे और कम होने पे कम जैसे यहाँ पे हल्का भूरा दिख रहा है आपको ना बराबर दिख रहा होगा तो इसमें कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो ये भूरा रंग से पता चलता है कि कौन सा चीज़ ज़्यादा है कौन सा चीज़ कम है अब ये तो भूरा समझ में आ गया तो यहाँ लिख देते हैं ब्राउन कलर आपको पीडीएफ वगैरह मिलेगा बहू अभी आपको बस थोड़ा बहुत समझा रहे हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए अब ग्रीन कलर ग्रीन कलर का मतलब होता है मैदानी एरिया ग्रीन कलर का मतलब क्या होता है मैदान मतलब वैसा चीज जो जो समतल भूमि हो पहाड़ वगैरह जहां ना हो वो ग्रीन कलर से के एरिया से दिखाएगा ब्लू कलर के एरिया से पानी को दिखाएगा जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे समुंदर को क्या दिखा रहा है ब्लू कलर से अब जहां समुन्दर ज्यादा गहरा होगा वहाँ पर आपको ज़्यादा गह नीला करेगा और जहाँ समुन्दर कम गहरा होगा वहाँ कम नीला करेगा तो ये हो गया आपका कलर कोडिंग ये धीरे धीरे आपको सब आराम से समझ में आने लगेगा कलर कोडिंग क्या है क्या है तो ये सब चीज़ों में आपको अंतर धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा अभी हम केवल रफली इंट्रोडक्शन के रूप में बता रहे हैं तो पॉलिटिकल मैप अलग होता है अलग होता है इसमें आपको कभी भी नहीं दिखेगा कि कश्मीर से शुरू शुरू हुआ हुआ खत्म खत्म हो हो गया हो गया राजस्थान अब इसके मैप आता है जिसको हम लोग कहते हैं थेमेटिकल मैप उसको समझिए क्या होता है देखिए ये मैप देखें मैप क्या होता है किसी खास चीज को दर्शाने के लिए जब मैप बनाया गया रहता है ना उस मैप को हम लोग कहते हैं थेमेटिकल मैप जैसे इसमें केवल रेलवे लाइन दर्शाई गई है बाकी कौन स्टेट कहाँ गया कौन सा पहाड़ कहाँ है इससे कोई मतलब नहीं है इसमें केवल रेलवे लाइन को दर्शाया गया तो जब किसी खास चीज़ को दर्शाने लगे तो उसे क्या कहते हैं हम लोग थेमेटिकल मैप जब पर्वत पहाड़ या नेचुरल चीज़ को दर्शाने लगे तो उसे क्या कहते हैं हम लोग फिजिकल मैप और जब देश राज्य इत्यादि का विभाजन दिखाने लगे तो उसे क्या कहते हैं पॉलिटिकल मैप तो मैप कितने टाइप के हो गए तीन टाइप के पॉलिटिकल, फिजिकल थेमेटिकल ये तीनों पढ़ना है आपको अब इसके अलावा एक और मैप होता है ये देखिए, ब्लैंक मैप इसमें सब चीज सादा दे देता है आपको कुछ नहीं देगा तो जब हम आपको पहले सबसे पहले आपको पढ़ाएंगे पॉलिटिकल, क्योंकि पॉलिटिकल से ही आपको समझ में आता है शुरुआत कहां से करेंगे पॉलिटिकल से पॉलिटिकल के बाद आपको पढ़ाएंगे फिजिकल उसके बाद ये एकदम सादा मैप है भाई इसमें आपको कुछ नहीं दिखेगा एकदम सादा रहेगा इसमें कुछ पता ही नहीं चलेगा सबसे टॉप होता है यही ब्लैंक वाला देखिए इसमें आपको एकदम सादा मैप मिलेगा इसके बाद आएगा थेमेटिकल थेमेटिकल जब ये तीनों पढ़ लेंगे तब आप पढ़ेंगे ब्लैंक मैप तब आपको ये वाला सादा मैप दे दिया जाएगा इसमें क्या होगा सादा में कि आपको कुछ दिया दिया ही नहीं रहेगा आपको अपने अंदाज से भरना पड़ेगा ब्लैंक मैप में तो अभी आप ये रफली एक ओवरव्यू समझिए इसके अलावा देखिए मैप कितने टाइप का पहले पढ़ेंगे पॉलिटिकल फिर थेमेटिकल उसके बाद पॉलिटिकल फिजिकल थेमेटिकल उसके बाद ब्लैंक मैप में भरेंगे ये सारी चीजें आपको एटलस में मिलेंगे अब इसके बाद आएगा आपका ग्लोब ग्लोब जो होता है ना ये अर्थ का एक रियल व्यू की तरह होता है ऐसी पृथ्वी को एक लगभग लेकिन इसकी ये ख़राबी क्या होती है कि भाई इसको आप हर जगह नहीं ले जा सकते हैं तो सबसे लास्ट में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा ग्लोब पढ़ना पड़ेगा एकदम लास्ट में आपको पढ़ना है ग्लोब इस ग्लोब के बारे में लास्ट में अब इसमें आप पढ़ेंगे कि पृथ्वी अगर इधर से देखेंगे तो साढ़े बाईस डिग्री झुका है ज़मीन से देखेंगे तो साढ़े छियासठ डिग्री झुका है तो ये सब एंगल वगैरह के बारे में अक्षांश क्या है देशांतर क्या है ये सब चीज़ों को आपको ग्लोब में पढ़ना है अब हम लोग मेन स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक पे अभी तक जो था इंट्रोडक्शन टाइप का था उस आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं था देखिए ध्यान से पृथ्वी लगभग जियोड मतलब पचका ढचका है हम इसे अभी हल्का में गोल मान के चलते हैं अभी फिलहाल और ना एक ही दिन में सारा कॉन्सेप्ट समझेंगे ना तो पगला जाएंगे कहेंगे मैप तो हम समझ समझिए नहीं पाएंगे यहाँ देखिए पृथ्वी जो है ना अर्थ लगभग हल्का सा इस टाइप का गोल सा है अब इसके बीचों बीच से एक काल्पनिक रेखा खींची गई है इस इमेजिनरी लाइन को हम इक्वेटर कहते हैं इसे इक्वेटर क्यों कहते हैं भैया तो इक्वेटर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये पृथ्वी को एकदम इक्वल बांटता है इक्वल नहीं बांट रहे थे यहां से इक्वल बांटने वाले को हम कहते हैं इक्वेटर तो ये इक्वेटर हो गया इसे हम लोग जीरो डिग्री के हिसाब से दर्शाते हैं इसे कितने डिग्री कहते हैं जीरो डिग्री कहते हैं इक्वेटर इक्वेटर को हम शॉर्टकट में देते हैं तो आप इक्वेटर हो गया इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं भूम रेखा लेकिन आप एक बात बताइए आप इस क्लास में हिंदी पढ़ने आए हैं कि भूगोल पढ़ने आए हैं आप भूगोल पढ़ने आए हैं तो यहां हिंदी भाषा नहीं चलेगी भूगोल की भाषा पढ़ेगी जिसे कहते हैं विशुवत रेखा विशुवत रेखा यहां से समझते चलिएगा आप कंटिन्यू यहां पे आपको इंडिया वर्ल्ड सब के बारे में पढ़ना है अभी आपको थोड़ा बहुत फर्स्ट क्लास है इसलिए आपको लगता हम लोग ने करके लिया। इसके ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया बराबर बांट देती है इसे हम विश्वत रेखा या रेखा के नाम से जानते हैं भूमध्य रेखा हिंदी में हो जाएगा विश्व रेखा आपका किस भाषा में होगा भूगोल में विश्वत रेखा अब हम लोगों ने कुछ सहूलियत के हिसाब से कुछ अन्य रेखाओं को डिसाइड किया है ये तो पृथ्वी को भाग दिया अब जो गोला था बाबू आप बताइए पृथ्वी जो एक स्पेयर टाइप का था, था गोला था अब तो हमने उस गोला को आधा कर दिया तो गोला को आधा करेंगे तो गोला हो जाएगा आधा तो उसे कहेंगे गोलार्ध क्या कहेंगे गोलार्ध और नीचे वाला भी क्या हो जाएगा गोलार्ध गोला का आधा इंग्लिश में क्या कहेंगे स्पेयर जो है स्पेयर स्पेयर को आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा हेमी स्पेयर स्पेयर को आधा करने पे क्या हो जाता है, है। यह हो गया आपका है? हेमी स्पेयर तो इसको हेमी स्पेयर ये भी हेमी स्पेयर ऊपर के भाग को उत्तर कहते हैं यानी नॉर्थ और नीचे के भाग को दक्षिण कहते हैं यानी साउथ अब धीरे धीरे एक एक चीज आपके साथ नया नया जुड़ते जाएगा पृथ्वी को बीचों बीच से डिवाइड करने वाली रेखा को इंग्लिश में कहते हैं इक्वेटर लाइन उसको एंगल में कहेंगे तो जीरो डिग्री हिंदी में कहेंगे भूमध रेखा भूगोल में कहेंगे तो विश्वत रेखा इसके ऊपर का आधा गोला गोलार्ध नीचे का आधा गोला गोलार्ध ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध हम किस गोलार्ध में रहते हैं भैया तो हम लोग रहते हैं उत्तरी गोलार्ध में इंडिया टोटली ऊपर में है अगर देखेंगे ना इंडिया को तो इंडिया टोटली किस में उत्तरी गोलार्ध में तो हम लोग किस हमिस्फेयर में नॉर्दर्न हमिस्फेयर में अच्छा कौन हमिस्फेयर है नॉर्दर्न की साउदर्न <laughs> अच्छा तो भाई पूरी पृथ्वी है नीचे में ना पानी ज्यादा है ऊपर में जमीन ज्यादा है तो दो चीजें समझ में आ गया गोलार्ध आपको धीरे धीरे समझेंगे आराम से जिसको कुछ नहीं आता है पूरा अच्छा से समझ जाएगा अब एक चीज देखिए अर्थ जो है ना हल्का सा इसे झुका हुआ है ये क्या है झुका हुआ है अब ये कितने डिग्री झुका हुआ है साढ़े तेईस डिग्री कितने डिग्री साढ़े तेईस डिग्री आज से सवा लाख साल पहले लगभग पंद्रह करोड़ साल पहले यह अट्ठारह डिग्री पे झुका हुआ था अभी भी ये चौबीस डिग्री झुक गया है कुछ दिन बाद जब इसकी नापी होगी ना तो चौबीस डिग्री आ जाएगा तो ये कितने डिग्री झुका हुआ है तो तेईस डिग्री साढ़े तेईस डिग्री तो यहां से कितने डिग्री है साढ़े तेईस तो साढ़े तेईस डिग्री के पास एक रेखा खींचेंगे ऊपर की ओर और, और साढ़े तेईस डिग्री के पास एक रेखा खींचेंगे नीचे की ओर अब आप कहेंगे कि सर ये सीधा क्यों नहीं खींच रहे हैं तिरछा क्यों खींच रहे हैं तो किसी भी फुटबॉल के ऊपर आप अगर सीधा रेखा खींचेंगे तो सीधा खींचे नहीं करेगा रियल में अगर आप फुटबॉल लेके खींचेंगे ना तो खींचेंगे सीधा लेकिन दूर से कैसा लगेगा तिरछा तो ये साढ़े तेईस पे है ठीक है ये भी नीचे वाला साढ़े तेईस हम ये साढ़े तेईस क्यों लिया क्योंकि पृथ्वी साढ़े तेईस डिग्री पर झुकी हुई है अब यहाँ देखिए तो यहाँ से हमने जो साढ़े तेईस ऊपर वाला लिया और साढ़े तेईस नीचे वाला ले लिया ये कितना है भैया साढ़े तेईस डिग्री और ये भी कितना है साढ़े तेईस डिग्री अब आप बताइए ये तो उत्तर दिशा में हो गया नॉर्थ और ये तो साउथ हो गया दक्षिण दिशा में अब दो चीज़ें यहाँ समझिए ये डिग्री निकालते कैसे हैं ये आप ग्लोब में पढ़ेंगे फर्स्ट क्लास में आप ग्लोब नहीं पढ़ेंगे पहले आप मैपिंग पढ़ेंगे जब मैप कंप्लीट हो जाएगा तब आप ये एटलस देखेंगे जब पूरी दुनिया का आइडिया लग जाएगा तब ग्लोब में समझेंगे आपके मन में एक जिज्ञासा आ रही होगी सर अक्षांश क्या है लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड लेकिन अभी आप उसको समझ नहीं पाएंगे बैटरी ले तो डिस्चार्ज हो गया आगे देखिए तो ये उत्तरी हो गया ये दक्षिणी हो गया इसके अलावा अगर आप पृथ्वी को देखेंगे तो पृथ्वी जो है ये जमीन के हिसाब से अगर अगर देखेंगे यहां देखिए किसी चीज चीज को को आप झुकाते हैं जैसे इसी चीज़ को हम झुका दिए तो इसमें दो तरह का एंगल बनता है एक ऊपर से ये वाला एंगल और नीचे से ये वाला एंगल दो एंगल बना की नहीं कोई भी चीज जैसे हम इधर झुक गए तो एक एंगल इधर से बनेगा और एक एंगल पीछे से बनेगा तो जो अर्थ झुकी हुई है ना तो ये वाला झुकाव है ठीक है और ये जमीन है देखिए ध्यान से तो जो अर्थ झुकी हुई है तो ये वाला झुकाव साढ़े तेईस है और ये वाला झुकाव ये साढ़े तेईस है अब आप बताइए कोई नाइन्टी डिग्री का एंगल है अगर इसको चालीस डिग्री झुका दिए चालीस डिग्री तो ये कितना होगा जेनवीन है कि पचास होगा भाई दोनों को जोड़ेंगे तभी ना वो सीधा खड़ा होगा तो अगर पृथ्वी सीधा रहती तो 90 डिग्री रहता लेकिन साढ़े तेईस झुक गई है तो अंदर वाला कितना होगा साढ़े छियासठ होगा साढ़े छियासठ होगा कि नहीं आप खुद देखिए नब्बे डिग्री में किसी चीज को झुकाएंगे एक ओर से तो अगर इधर से दस हुआ तो इधर से अस्सी बचेगा उसी तरह पृथ्वी अगर सीधा रहती तो नाइन्टी पे रहती साढ़े तेईस झुका दिए तो इधर से साढ़े तेईस तो इधर से कितना होगा साढ़े छियासठ होगा तो साढ़े छियासठ डिग्री हो जाएगी पृथ्वी तो पृथ्वी पर दो रेखाओं का बड़ा महत्व है एक साढ़े तेईस डिग्री वाले का क्योंकि ये ऊपर से एंगल है एक साढ़े छियासठ डिग्री वाले का क्योंकि ये नीचे से एंगल है समझ में आ रहा है कि नहीं अभी आप कमेंट पे ध्यान नहीं देंगे आप लोग अभी आप लोग मेन अभी वैलिडिटी <tip> कितना होगा कोर्स का भाई कोर्स खत्म हो जाएगा वैलिडिटी खत्म हो जाएगा आगे देखिए ये सब प्रियांशु कुमार कह रहे हैं कि सर ये सब तो हम सिक्स में पढ़े थे तो फिर सिक्स में पढ़े थे तो अभी तक आपका नौकरी हो जाना चाहिए था चलिए यहां देखिए कुछ कुछ फालतू फालतू कमेंट करता है सर यहाँ ये सब यहीं रहेगा सर बेरोजगार बन के देखिए ध्यान से साढ़े छियाठ और साढ़े तेईस डिग्री ये दो महत्व गए सब अब यहां देखिए इसके ऊपर वाला जो रेखा खींचा जाता है ना ये वाली रेखा और ये वाली रेखा ये साढ़े छियासठ डिग्री है साढ़े छियासठ और ये भी कितनी होगी साढ़े छियासठ अंतर क्या होगा ये होगा नॉर्थ और ये होगा साउथ अब इन रेखाओं का अलग अलग नाम है अगर साढ़े तेईस डिग्री ऊपर में है तो इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा कहते हैं और वही साढ़े तेईस डिग्री नीचे है तो इसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन या मकर रेखा कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन या मकर रेखा कहते हैं ये दो रेखाएं हो गई सब यहां अब आप अच्छे से समझिए अब ऊपर वाला जो है उसे कहते हैं आर्कटिक नाम है इसे आर्कटिक और नीचे वाले को कहते हैं अंटार्कटिक नीचे वाले को अंटार्कटिक ये रेखाएं याद रखेंगे इसका काफी ज्यादा यूज होगा क्योंकि इसको शुरुआत में ही बता दे रहे हैं टोटल कितनी रेखा हो गई बिना देखे आप बताएंगे आंख बनकर बीचो बीच वाली रेखा विश्वत रेखा बीचो बीच में विस्वत रेखा ऊपर में गया साढ़े तेईस डिग्री कर्क रेखा नीचे में साढ़े तेईस डिग्री मकर रेखा इंग्लिश में बोलिए बीचो बीच वाला विश्वत रेखा को इंग्लिश में क्या कहेंगे इक्वेटर साढ़े ऊपर वाला क्या हो गया ऊपर वाला साढ़े क्या हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे वाला साढ़े तेईस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ऊपर वाला साढ़े छियासठ आर्कटिक आर्कटिक और नीचे वाला साढ़े छियासठ अंटार्कटिक नीचे वाला अंटार्कटिक ऊपर वाला आर्कटिक हो गया अब इसका महत्व तो क्या है आखिर इतना क्यों बताया जा रहा है आखिर इसका कुछ ना कुछ तो यूज होगा समझिए यूज समझते हम लोग देखिए जो अर्थ जो सनलाइट होता है ना सनलाइट पृथ्वी सनलाइट ज्यादा सूरज जो होता है वो मैक्सिमम जाता है कहां पर कर्क रेखा पर सूर्य मैक्सिमम कहां तक जा सकता है कर्क रेखा तो आप कहेंगे सर इधर अंधेरा रहता है नहीं बबुआ यहां तक सूर्य आता है इसके बाद इसकी रोशनी तिरछी जाती है अब आप बताइए तिरछा रोशनी में रोशनी तो जाएगा लेकिन क्या गर्मी उतना जाएगा नहीं जाएगा तो ये कर्क रेखा से जितना दूर जाइएगा ठंड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा ठंड बढ़ेगा और दूर जाइएगा और ठंड बढ़ेगा और दूर जाएंगे और यानी ऊपर में तो और ठंड बढ़ने लगेगा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा अब एक बात बताइए तो ये तो कर्क रेखा की मैक्सिमम स्थिति कहाँ आ गई ऊपर यहाँ पर और कर्क रेखा मिनिमम नीचे कहाँ जाता है मकर रेखा के बीच में सॉरी सूर्य तो सूर्य किन दो देश कौन दो रेखाओं के बीच में सीधा चमकता है तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सूर्य की किरणें सीधा चमकती हैं इसके अलावा ये तिरछा चमकती हैं सबसे कम आप बताइए सबसे कम सूर्य की रोशनी कहाँ जाएगी यहां जाएगी न गर्मी लगेगा ना इसे पोल कहते हैं इसे भी पोल कहते हैं ये साउथ पोल है ये नॉर्थ पोल है तो सूर्य अधिकतम किन दो रेखाओं के बीच रह सकता है फटाफट बताएंगे ऊपर में कौन सी रेखा कर्क रेखा और नीचे में कौन सी रेखा मकर रेखा इन्हीं दोनों रेखाओं के बीच में सूर्य हमेशा चक्कर लगाता है अदरवाइज में वो चक्कर नहीं लगाएगा इन्हीं दोनों रेखाओं के बीच में वो क्या करेगा चक्कर लगाएगा अब एक बात बताइए इसके ऊपर इधर तो सूर्य की किरणें तिरछी और इधर भी तिरछी यानी यहां उतना गर्मी नहीं पड़ेगा जितना यहां पड़ेगा तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के एरिया को हम क्या लिख सकते हैं गर्म क्षेत्र लिख सकते हैं बताइए अगर हमने लिख दिया तो कुछ गलती किया यहीं से इंटर द मिशन हो जाता है फटाफट क्या हमने इसको गर्म क्षेत्र लिख दिया तो कुछ गलती किए हैं फटाफट भड़ बताएंगे चलिए देखिए यहां यह गर्म क्षेत्र होगा ही गर्म क्षेत्र क्यों गर्म क्षेत्र का क्योंकि सूर्य इन्हीं के बीच में घूम रहा है इसके उधर उसकी किरणें तिरछी जा रही हैं इसके नीचे भी तिरछी जा रही हैं लेकिन आप बताइए पे समझिए क्या आप हिंदी पढ़ने बैठे हैं कि गर्म क्षेत्र बोल रहे हैं आप तो ज्योग्राफी पढ़ने बैठे हैं ना तो ज्योग्राफी में हम लोग गर्म को क्या बोलते हैं ज्योग्राफी में गर्म को बोला जाता है उष्ण गर्म को क्या बोला जाता है उष्ण क्या बोलेंगे उष्ण और क्षेत्र को कहते हैं कटिबंध क्या कहेंगे कटिबंध तो ये बीच वाला एरिया हो गया उष्ण कटिबंध अब इसके बीच अगर कुछ भी पाया जाता है तो आपको क्या बोला जाएगा उष्ण कटिबंध अब इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश मीडियम में इसे क्या कहेंगे भाई उष्ण कटिबंध वाले इंग्लिश मीडियम वाले भी एडमिशन लिए होंगे वो लोग सोच रहे होंगे इसे इंग्लिश मीडियम में क्या बोला जाएगा तो इसे टोराइड जोन बोलते हैं इंग्लिश में इसे टोराइड जोन बोलते हैं टोरिड जोन टोरिड जोन हिंदी में इसे उष्ण कटिबंध बोलते हैं

इसमें सबसे ज्यादा गर्मी कहां पड़ेगा सबसे ज्यादा गर्मी भैया रेखा पे पड़ेगा क्योंकि सूरज जब ऊपर जा रहा था तब भी यहां चमक के गया जब नीचे आ रहा था तब भी चमक के गया तो सबसे ज्यादा गर्मी यहीं पे पड़ने वाली है अब देखिए आगे ये वाले एरिया में कल्पना कीजिए यहां पर यहां देखिए जब सूरज ऊपर गया होगा कहां गया होगा ऊपर में यहां पर होगा तब तो यहां पर नहीं होगा वो तो जब ऊपर गया होगा तो ये वाला एरिया कैसा होगा ठंडा कैसा होगा ठंडा नीचे वाले की बात कर रहे हैं ठंडा और ये वाला एरिया कैसा हो गया होगा गर्म जब ये ऊपर होगा जब यहाँ से सूरज नीचे आएगा यहाँ पर इस वाले एरिया में यहीं तक आ ही सकता है यहाँ पर तो ये वाला एरिया अब कैसा हो जाएगा जो ठंडा था वो कैसा हो जाएगा गर्म हो जाएगा लेकिन अब ये गर्म हो गया अब ये वाला कैसा हो जाएगा ये वाला हो जाएगा ठंडा यानी हम ये कह सकते हैं कि ये वाला बीच का जो एरिया है यह ठंडा और गर्म दोनों हो जाएगा इसमें दोनों चीजें देखी जाएंगी यह ठंडा और गर्म दोनों हो जाएगा अब बताइए यहां फिर से नाम रखिए यह ठंडा को हिंदी में कहते हैं सीत ठंडा को हिंदी में सीत और गर्म को क्या कहते हैं उष्ण गर्म को उष्ण तो बताइए तो शीत प्लस उष्ण क्या हो गया शीतोष्ण शीत प्लस उष्ण इसको क्या बन गया शीतोष्ण बन गया तो यहां हो गया भैया इसका शीतोष्ण नाम हो गया ये हो गया शीतोष्ण शीतोष्ण इंग्लिश में इसे कहते हैं टेम्परेट जोन इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे टेम्परेट जोन शीतोष्ण कटिबंध ये हो गया शीतोष्ण तो पृथ्वी पर आपने कितने कटिबंध देखे एक आपने देखा उष्ण कटिबंध एक देखे शीतोष्ण कटिबंध शीतोष्ण कटिबंध को टेम्परेट जोन कहते हैं कितने लोग ये बता सकते हैं कि यहां पर क्या होगा देखिए बबुआ सूर्य अधिकतम आ सकता है नीचे मकर रेखा तक यहां आने के बाद भी यहां तक तिरछी किरणें छोड़ेगा और कुछ गर्मी उत्पन्न कर देगा इसलिए ठंडा के साथ साथ गर्मी रहेगा लेकिन ये वाले एरिया में कभी भी ठंड ही पड़ेगा गर्मी नहीं पड़ेगा ठंडा और ठंडा को क्या कहते हैं शीत तो यह क्या हो गया शीत कटिबंध कटिबंध का मतलब क्या होता है एरिया कटिबंध का मतलब एरिया और ऊपर वाला भी क्या होगा सूर्य अधिकतम यहीं तक तो जाएगा ना कर्क कर रेखा तक इसके बाद तो जाएगा नहीं और ये वाला एरिया क्या हो जाएगा यह भी तो हो गया सीत कटिबंध तो पूरे पृथ्वी को कितने कटिबंध में बांटे को इंग्लिश में क्या कहेंगे फ्रिजिड फ्रिजिड जोन, एकदम बर्फ जम जाता है वहाँ पे। उसे को क्या कहते हैं? फ्रिजिड जोन। अब देखिए पृथ्वी के बीचों बीच में बोलिए कौन सा कटिबंध फटाफट -पट बोलते जाएंगे लोग नीचे कमेंट लिख -पट के फटाफट बताएंगे पृथ्वी के बीचों बीच में कौन सा जोन कौन सा कटिबंध बीचों बीच में शीत कटिबंध बीचों बीच में शीत कटिबंध आएगा बीचों बीच में उष्ण कटिबंध आएगा हाँ उष्ण बीचों बीच में उष्ण कटिबंध इंग्लिश में क्या कहेंगे टेम्परेट जोन अब जरा आंसर सोच समझ के दीजिएगा सुनिए ध्यान से सुनिए एकदम बढ़िया से यहां ध्यान से कर्क रेखा कहा है ऊपर में कर्क रेखा और मकर रेखा कर्क रेखा और मकर रेखा इसके बीच के क्षेत्र को क्या कहेंगे कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र उष्ण कटिबंध कहलाएगा समझ में आ गया अब जरा आंसर देखिए कर्क रेखा से ऊपर में कर्क रेखा से आर्कटिक रेखा कर्क रेखा से आर्कटिक आर्क रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाएगा शीतोष्ण कटिबंध गर्मी ठंडी दोनों पड़ेगा टेम्परेट जोन और नीचे में बताइए नीचे में नीचे में शीतोष्ण का एरिया कहां से आएगा नीचे में शीतोष्ण का एरिया फटाफट अगर नहीं कमेंट लिख सकते तो वहीं अकेले में बैठ के क्लास कीजिए वहीं पर आपको समझ में आएगा अकेले में बोलिए नीचे में दिमाग लगाइए फटाफट नीचे का शीतोष्ण कहां से होगा अब आग बंद करेंगे नीचे का शीतोष्ण कहाँ से होगा भैया ये, ये मकर से शुरू होगा ऊपर जाएंगे तो उष्ण हो जाएगा ना ना ऊपर नहीं जाना है नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा शीत और ठंडा दोनों पड़ेगा तो ये हो गया आपका मकर रेखा से लेकर आर्कटिक रेखा ये क्या हो गया शीतोष्ण हो गया और आर्कटिक से दक्षिणी ध्रुव ठंडा और अंटार्कटिक से उत्तरी ध्रुव ठंडा तो कितने टाइप के कटिबंध देखें कितने टाइप के कटिबंध देखे तीन टाइप के देखे रे बबुआ यो तो ने यो तो टाइप है गिन रहा है से पांच कहाँ है तीन टाइप है ना समझा गया अब मान लीजिए दो गो लड़का गो लड़की खड़ी रहेंगे पूछेंगे कितने टाइप के मानो है तो दुए गो ना हो जाएगा लड़का लड़की का अब संख्या थोड़ी गिन रहे हैं ये समझ में आ गया आप लोग को क्वेश्चन बताइए फटाफट सबसे ज्यादा ठंडा किस कटिबंध में पड़ेगा सबसे ज्यादा ठंडा किस कटिबंध में शीत कटिबंध में पड़ेगा सबसे कम ठंडा कहाँ पड़ेगा उष्ण कटिबंध में पड़ेगा सबसे कम ठंडा कहाँ पड़ेगा उष्ण कटिबंध में पड़ता है बाबू सबसे कम ठंडा ठंडा गर्मी दोनों पड़ेगा शीतोष्ण कटिबंध में ठंडा गर्मी दोनों पड़ेगा एक आगे अब एक ये देखिए यहाँ पे इस ग्लोब में देखिए ये बताएंगे लोग कौन सी रेखा है जल्दी फटाफट आंसर दीजिए कौन सी रेखा है ये आंसर देते रहिए आप लोग फटाफट चलिए गुड विश्वत रेखा है ये कौन सी रेखा विश्वत रेखा इक्वेटर चलिए अब हम आपको केवल एक एरिया घेर के बताते हैं आप बताइए कौन सा कटिबंध होगा बोलिए ये कौन सा कटिबंध होगा फटाफट बोलिएगा कौन सा कटिबंध फट है ये ये भैया टोरिड जोन या उष्ण कटिबंध आ गया ये वाला अब दूसरा हम घेरते हैं आप बताइए क्या ये कौन सा कटिबंध होना चाहिए यहां पर यह तो बता दिया आप लोगों ने ये बताइए तो हम ये बताइए जाम हाथ चला रहे ये कौन सा होगा आइडिया लगाइए कौन सा होगा ये फटाफट लगाइए आइडिया कौन सा होगा ये और ये वाला भी ये कौन सा कटिबंध है फटाफट भट बताएंगे लोग जल्दी जल्दी। इंग्लिश में बोलते हैं टेम्परेट जोन टेम्परेट जोन हिंदी में हिंदी में हो गया आपका शीतोष्ण कटिबंध चलिए आप कितने लोग देखते हैं बता देते हैं फटाफट भट। बता देंगे लोग वेरी गुड वेरी गुड बाबू आंसर इतना तेज दीजिए कि हम पढ़ ना सके आप देखिए आंसर कितना तेजी से आ रहा है इस तरह से आंसर दीजिए कि पढ़ ही ना सके हम यहाँ पर खैर हम एक्चुअली मोबाइल में इसलिए देखते हैं ताकि हमको भी एहसास हो कि आपको कैसा दिख रहा है स्क्रीन पे देखते हैं तो फिर दूर पड़ जाता है वहाँ पर अब बुढ़ा गए अब हमको चश्मा लगाना पड़ेगा स्क्रीन पर उतना दूर से नहीं दिखता है चश्मा लगा लेते हैं तो स्क्रीन पर पढ़ेंगे उम्र बढ़ जाने के बाद ना आँख नाक कान सब खराब हो जाता है चलिए देखिए ध्यान से बुढ़ौती आ गया मेरा कितने लोग आंसर देंगे लोग फटाफट बताएंगे हम एक बार में हमें लिखते के साथ आंसर आना चाहिए यह कौन सा कटिबंध है फटाफट कौन सा कटिबंध होगा इंग्लिश वाले लोग सबसे ऊपर में है मबुआ ये सब यूपीएससी का क्वेश्चन ऐसे नक्शा बना बना के पूछेगा आपको कौन सा कटिबंध होगा फटाफट बताएंगे ये वाला हो गया शीत सी, शीत कटिबंध शीतोष्ण थोड़े हो होगा कहीं का खाली ठंडा पड़ेगा हिया ना शीतोष्ण होगा आई वाला कौन सा होगा उष्ण होगा ए, दिमाग चढ़ देता है लोग गलती नहीं बोलो भाई इतना मेहनत से पढ़ा रहे आंसर सही होना चाहिए कौन सा कटिबंध है शीत कटिबंध है यूपीएससी जो है ना उस ससुरा खखोर के क्वेश्चन पूछता है क्वेश्चन क्या पूछा यूपीएससी कह रहा है कि शीत कटिबंध में सबसे ज्यादा ठंडा कहां पड़ता है अरे बकलोलबा कहीं तो अपने ठंडा पड़ता है अब कौन चीज पूछ रहा है ऊ में कौन चीज ठंडा पड़ता है मैंने शीत में भी महाशीत यह है यूपीएससी आई का एग्जाम लड़का सब खाली सपना देख लेता है आई बनेंगे अभी मेहनत ना करना है उसके लिए देखो बबुआ क्वेश्चन यूपीएससी का क्या था आवाज में झंझनाट हो रहा है क्या माइनस टेन कर देते हैं अब कैसा आवाज क्लियरिटी अब चेक करी तो थो, थोड़ा सा झंझनाट कम है ठीक है थोड़ा बहुत झंझनाट जाता है वो हमारा गले खराब है भगवान अजीब टाइप का बना दिया गला मेरा देखिए ये है हमारा शीत कटिबंध लेकिन क्वेश्चन है शीत में भी महाशीत तो शीत में भी महाशीत शीत में भी महाशीत आ जा बहु आ जा। ये हमारा गोला हो गया पृथ्वी देखिए गौर से देखिएगा ये है शीत कटिबंध और ये भी है शीत कटिबंध ये रेखा का नाम बोलिए फटाफट भाट। रेखा कंप्लीट होने से पहले नाम आ जाना चाहिए कौन से क्या नाम है इसका अरे जल्दी बोलो कंप्लीट कर देते हैं हाँ गुड क्या नाम है इसका िसा वेरी गुड ये सीत है ना आप देख बबुआ यहां पर एकरा दो भाग में हम बांट देते हैं एको दो भाग में बांट देते हैं ऊपर वाला का नाम रख देते हैं एक नीच वाला का नाम रख दे दू एक और दू कितने लोग बता सकते हैं इसमें कि शीत कटिबंध को यानी फ्रीजी जोन को हमने एक और दो में बांट दिया है इसमें ज्यादा ठंडा एक में लगेगा कि ज्यादा ठंडा दो में लगेगा गलत आंसर आया ना घुस के कैमरा में से निकाल ले इधर इधर धो देंगे यहां बता देते ज्यादा ठंडा फटाफट एक में ठंडा की दो में एक की दो एक की दो जल्दी फटाफट देर नहीं होना चाहिए एक में की दो में एक में की दो में एक में एक में वेरी गुड बस एक लिखते जाएंगे ठंडा अच्छा। एक में, एक में पड़ेगा वह, रोशनी पट्टी है वहां पे एक में देख लो भाई इतना तेज आंसर आना चाहिए इस तरह से धड़ 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 एकदम वेरी गुड सबसे ज्यादा ठंडा ओ खोपड़िया पे ना तो एक खोपड़िया पे समझ आ गया कि नहीं आ गया भूगोल वालों ने ई दोनों का नाम अलगे रख दिया हम तो आपको धाय दे बता दिए थे आप में से कितने अच्छे से आप बता दिए कि एक में कि दू में लेकिन यही क्वेश्चन यूपीएससी पूछा था और आधा लड़का गलती ठोक के आया था क्या पूछा था पता है कि ज्यादा ठंडा टुंडरा में पड़ता है कि टैगा में अब लड़का पगला गया टुंडरा टैगा कौनची होले रे भाई टुंडरा टैगा लो टुंडरा टैगा यहाँ पर अरे यूपीएससी ना खखोर के पूछता है कुछ हो अब जैसे किसी को कह देंगे मामा जी तो आराम से समझ में आ जाएगा कहेंगे हमारे बाप के सार तो कह कौन चीज बोल है बाप के सार अरे मामा जी को ही बोला जाता है बाप के सार तो वही यही से पूछता है टुंडरा में की टैगा में आंसर बताइए टुंडरा में की टैगा में टुंडरा या टैगा फटाफट टाइगा बोल रहे हैं लो टाइगा कुछ टुंडरा बोल रहे हैं लो अब आंसर की स्पीड वो नहीं रह गई है टुंडरा या टाइगा टुंडरा या टाइगा भैया ये पूरा ध्रुव होता है एक और दो दोनों को मिला देंगे तो ध्रुव हो जाता है टुंडरा या टाइगा टुंडरा या टाइगा देखो भैया हम बताते हैं देखिए ध्यान से ये जो ऊपरा वाला एक नंबर है ना यानी जो एकदम खोपड़िया है आ दिया है ये एक नंबर को हम लोग कहते हैं टुंडरा जो एक नंबर है ना अंग्रेजी हिंदी दोनों में टुंडरा है उसे एक नंबर में ज्यादा ठंडा पड़ेगा क्योंकि ये सूर्य से विश्व रेखा से बहुत दूर है और ये एक नंबर में ज्यादा इसी को कहते हैं टुंडरा और इसको कहते हैं टैगा बताइए क्वेश्चन कहेगा सबसे कम पेड़ पौधे यानी सबसे कम वनस्पति एकदम लीस्ट क्वांटिटी ऑफ इन्वायरमेंट सबसे कम जीव जंतु कहाँ पाए जाएंगे रे भैया टुंडरा में कि टाइगा में ये ठंडा में कौन जाएगा मरने ससुरा? हम जैसन बूढ़ सर आदमी को तो फालीज मार देगा वहाँ जाके तो सबसे कम जीव जंतु कहाँ बाबू रे कहाँ तो सबसे कम जीव जंतु एक नंबर पे एक जन नंबर को क्या कहते हैं टुंडरा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा अभी बताइए जैसे जैसे हम टुंडरा से बढ़ेंगे विस्वत रेखा की ओर जैसे जैसे बढ़ेंगे क्या टेम्परेचर बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा बबुआ बढ़ेगा जीव जंतुओं की संख्या भी बढ़ेगी ठंडा में मर जाएगा सब रहा कभी सुने गर्मी से 200 लोगों की मौत हो गई <laughs> <laughs> गर्मी से किसी की मौत नहीं होती आदमी तो नहीं पगला अगला जाता है लेकिन हमेशा ठंडी में सुनते होंगे कि दो आदमी ठंडा से मर गया अब बहुत आदमी हम जैसे बूढ़ सूढ़ आदमी को बच के रहना पड़ता है आप लोग जवान है लोग आप लोग का कोई दिक्कत नहीं है समझाया गया कि नहीं आ गया तो जीव जंतु इधर ही रहेंगे आप कहेंगे कि जीव जंत जन... अरे ठंडा में बहुते मर जाता है समझाया गया कि नहीं जैन धर्म के लोग ज्यादा क्यों नहीं विकास कर पाए लोग उघारे रहते थे आधा लोग को मार दिया ठंडा वहां पे

टेंशन नहीं लीजिए देखिये ये वाला पूरा कटिबंध बताइए टुंडरा और टैगा मिला के बोलेंगे तो उसे कहेंगे शीत कटिबंध जब टुंडरा और टैगा दोनों मिला दीजिएगा तब हो जाएगा शीत शीत और में से महाशीत टुंडरा कम शीत टैगा हई रेखा बोलो बबुआ बबुआई रेखा विश्वत रेखा बताओ बबुआ हई कौन सा क्षेत्र है बताओ बबुआई बीच वाला जल्दी फटाफट उष्ण कटिबंध कौन सा कटिबंध उष्ण कटिबंध ये शीतोष्ण ये शीतोष्ण ये शीत कटिबंध हो गया किसी को कोई दिक्कत नहीं है कटिबंध में टुंडरा टाइगा में कोई दिक्कत नहीं है आगे बढ़ जाए अरे टुंडरा टाइगा में दिक्कत नहीं ना है वेरी गुड टुंडरा टाइगा में कोई दिक्कत नहीं वेरी गुड विश्वत रेखा उष्ट कटिबंधीय शीत वेरी गुड अरे इसमें इमोजी कौन लिख के भेज रहा है ये इस सबको हुन्ने बतियाने का आदत लगा है

बाबू लोग देखो ये हो गया पूरा पृथ्वी अब इसमें एक चौन से बची है देखिए ध्यान से, आप लोग को यह हल्का दिख रहा है देखिए ध्यान से हम्म हल्का सा दिख रहा है इसमें देश नहीं देखना है बाबू ब्राइटनेस घटा दे क्या देखिए, यहां आप फटाफट देखेंगे लो। ये रेखा बोलिए, फटाफट कौन सी रेखा है बीचो बीच से जा रही है ये रेखा है विश्वत रेखा कौन सी रेखा विश्वत रेखा हमारा प्यारा भारत ये रहा हमारा सारे जहां से अच्छा ये हमारा हिंदुस्तान उत्तरी गोलार्ध में है नॉर्दर्न हेमोस्फियर ऑफ द अर्थ ये हमारा कौन सी रेखा विश्ववत रे... अरे ये क्या हो गया या टेक्निकल आदमी नहीं है हम कर रहे हैं ये बिसवत रेखा हो गया ये बबुआ बात बता तो जो बिस्वत रेखा है वही ना सबसे ज्यादा गर्मी पड़ेगा सबसे ज्यादा गर्मी कहां पड़ेगा विश्वत रेखा पे पड़ेगा क्योंकि सूर्य जाता है अधिकतम कहां तक यह कर्क रेखा तक कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है आपको भी पता है आठ राज्यों से थोड़ा बहुत तो आप भी पढ़े होंगे शॉर्टकट गमछा झाड़ू सब फालतू चीज होता है अब यहां देखिए ये तो है मकर रेखा बबुआ यह है मकर रेखा यही है ना मकर रेखा इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है अब एक बात बताओ ध्यान से देखो सूर्य मकर रेखा से जाएगा कहां पर कर्क रेखा तक और कर्क रेखा पर जाने के बाद यह वापस आएगा कहां पर मकर रेखा पर यानी कैंसर और ट्रॉपिक इसी के बीच में घूमेगा ना इसी के बीच में घूमेगा अब जरा देखिए जाते वक्त भी एक बार विश्वत रेखा पे चमक के गया सीधे और आते वक्त भी एक बार विस्वत रेखा पे चमक गया यानी दो बार तो खड़े चमका और जब सूर्य यहां पर होगा तो इधरों देख रहा होगा इधरों देख रहा होगा उस वक्त भी विस्वत रेखा को देख लिया अब जब सूर्य नीचे होगा तो इधर भी देख रहा होगा गर्मी दे रहा होगा और इधर भी देख रहा होगा यानी ससुरा अगर आप बिस्वत रेखा पे रह गए ना जान ले लेगा सूर्य आपका इतना ना गर्मी करेगा इसलिए बिस्वत रेखा पे जितने देश है ना वहां के लोग एकदम मंगरेला की तरह काला होते हैं सब इतना भयानक काला होता है सब कि उनको देख कर हिंदुस्तान का अगुआ भाग जाएगा दुल्हन की तो बातें छोड़िए लेकिन जितना सुंदर लड़की होती है सब ना बहुत सुंदर लड़की वो देखिएगा जब टेढ़ लड़का पसंद करती हैं सब सुंदर लड़की को बुद्धि पता नहीं कहाँ होता है एक्चुअली भगवान जो है ना सुंदरता बनाए देखिए अगर किसी चीज़ में समय देंगे तो दूसरे चीज से समय काटना पड़ेगा तो भगवान जिसको सुंदर बनाया ना खूब सुंदर तो उसको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से समय काट लिया तो जो बुद्धि बना रहा था तो बुद्धि ये काट लिया तो जितना देखिए जितना सुंदर लड़की गिनेंगी सर अजबे सबसे फंसल रहती है सर एक खौराइल रहेगा रहेगा खूब सुंदर लड़की लेके घूमेगा आप देखिए ना एक देख लीजिए ऐश्वर्या राय को सुजरा कोना से बिया की इसे अभिषेक बच्चन ओकरा से तो अच्छा अमिताभ था सानिया मिर्जा को देख लीजिए पगली ओकरा पाकिस्तान मिलल था बताइए हम लोग उस टाइम खालिए थे लोग है अजब हाल है भाई अजब प्रियंका चोपड़ा को देखिए वो ऐसा ना जेसीबी ऐसा आदमी से शादी कर ले बुझाता का आदमी बुलडोजर है तो वही हो गया <laughs> तो यहाँ पे जितना मिलेगा सब ना सब का सब मिलेगा सब काला काला और हिंदुस्तान में जो बनेगी आलिया उसी को मिलेगा कालिया यहाँ पर तो सबसे ज्यादा गर्मी बताओ बबुआ कहाँ पड़ेगा रेखा इक्वेटर जितना इक्वेटर का एरिया है सबसे भयानक गर्मी झेलता है सबसे भयानक गर्मी कौन झेलेगा बबुआ इक्वेटर वाला अब एक बात बता बाबू ध्यान से अगर हम इक्वेटर से दूर जाएंगे तो गर्मी पड़ेगा कि ठंडा ठंडा पड़ेगा गर्मी वाले एरिया में लोग काले हो जाते हैं और ठंडी वाले एरिया में गोरे हो जाते हैं यानी रेखा से जितना दूर जाएंगे जाएंगे आप गोरे होते जाएंगे। और वहां ठंडा लगने लगेगा रेखा के पास आएंगे तो काले हो जाएंगे गर्मी लगेगा अब एक काम करते हैं और ये क्या निकल गया हाँ चलिए क्वेश्चन देखिए फटाफट बताइए आंसर देखते हैं कितना समझदार है लोग कितने इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हैं आप लोग देखिए ये हमारा हिंदुस्तान इंडिया हमारा चलो बबुआ ये रेखा देखिए कौन सी रेखा बताइए फटाफट विस्वत रेखा भीश्वत रेखा है ना जी पृथ्वी के बीचों बीच से जा रही है जैसे जैसे हम इससे दूर जाएंगे ठंडा पड़ेगा लोग गोरे हो जाएंगे जैसे जैसे करीब आएंगे गर्मी पड़ेगा लोग काले हो जाएंगे हिंदुस्तान में देख रहे बबुआ हिंदुस्तान में जल्दी फटाफट आप कमेंट ओमेंट ना बबुआ फटाफट पट हिंदुस्तान इंडिया में देखो इंडिया में इंडिया में ये हमारा हिंदुस्तान निचवा वाला केरला तमिलनाडु बिस्वत रेखा के, के एकदम करीब है तो साउथ के लोग में गर्मी ज्यादा पड़ता है और साउथ के लोग काला काला होते हैं लोग साउथ इंडिया के लोग देखिएगा गोरे नहीं होते हैं लेकिन जैसे जैसे आप बिस्वत रेखा से दूर जाएंगे ठंडी पड़ेगा और लोग गोरे हो जाएंगे और ऊपर जाइए और गोरे होंगे और ऊपर जाइए और गोरे होंगे सबसे ऊपर चले जाइए कश्मीर चले जाइए कश्मीर कश्मीर में खूब ठंडा कश्मीर की कली वाह वाह समझ में आ गया वहाँ कोई फेरन लवली की जरूरत नहीं है कश्मीर के लड़का लड़की सब गोरे होते हैं लोग तो। और नीचे दक्षिण भारत में देखेंगे तो सब झोंसल मिलता है सब कुछ कुछ हीरोइन गोरी हो जाती है सर अब बाल्टी में सर सुन फेरन लवली घोर के उसमें नहा लेगी सर तो गोर ना हो जाएगी सर उस समय भूगोल का नियमें काम नहीं करता है यहाँ पर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा तो है तो साउथ के लोग काले क्यों होते हैं अब भैया साउथ वाले लोग बुरा नहीं मानिएगा और काला होना बुरा क्या हम खुद काला हैं हम क्या दूसरे को बोलेंगे हम सफ़ेद कुर्ता पहन लेते हैं ना तो लगता है जैसे बताशा में चिंटा घुसा हुआ है वो <laughs> साउथ वाले सब काले ही होते हैं काले से क्या दिक्कत है हा आपको फिर बताए ना जितना काला रहता है उसको कैसा मिलती है सब हाँ चलो ध्यान से देखो इधर <laughs> यहां समझिए आप समझ में आया कश्मीर के लोग गोरे का होते अच्छा कश्मीर से तो ज्यादा गोर चाइना वाला होगा सर ओसे गोर तो रूस वाला होगा सर ऐसे अच्छा रूस वाला को देखेंगे ना व्लादिमिर पुतिन को देखिएगा तो लगेगा ऐसे छील मुर्गी है अंग्रेज सबको ऐसे अच्छा कर देता है तो खून दिखने लगता है यहाँ पे लाल लाल समझा गया कि नहीं आ गया भूगोल कितना ईजी है इतना ईजी नहीं है बकलोल कहेंगे ईजी नहीं लग रहा है इसको सुतल है आगे बढ़े तो जितने लोग रेखा के करीब वाले हैं वो होंगे काले बीवी में रेगी गोरी और जो ये कोई भूगोल का नियम नहीं है रे भाई देखिए ध्यान से समझिए अब ये तो कश्मीर वाला का मैटर समझ में आ गया आप को आगे बढ़े अब या क्वेश्चन पूछा था कि बिसवत रेखा के पास का पेड़ का पत्ती चौड़ा होगा कि पतला लड़का पगला गया ससुरत नहीं ये बात हुआ कि वहां का चौड़ा पत्ती होगा कि नहीं एक, अरे भाई आखिर पूछा तो आंसर होगा कि नहीं होगा चौड़ा पत्ती होगा कि पतला पत्ती मतलब चौड़ा होगा कि पतला कैसा होगा आप बताएंगे बहुत ईजी है सर भाई कोई चीज टफ नहीं है अरे बक डाउनलोड करने की सुविधा ना स्क्रीन शॉट ले सकते हैं ना डाउनलोड कर सकते हैं ये सुविधा नहीं मिलेगा चलिए ध्यान से समझिए अब यहाँ पर पत्ती के बारे में हम लोग समझते हैं पत्ती के बारे में इधर देखिए फटाफट अब कमेंट छोड़िए मेरी और देखिए एक बात बता बहुत रेखा के पास गर्मी पड़ेगा कि नहीं सीधी सी बात है एक शब्द में बोलेंगे तो गर्मी पड़ेगा कि अरे भयानक गर्मी पड़ेगा ये जब जाएगा तबो वो गर्माएगा आएगा तबो वो गर्माएगा और नीचे रहेगा तबो झाकेगा झाँकेगा रेखा और ऊपर रहेगा तबो झाकेगा झाँकेगा विश्वत रेखा सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पड़ेगी विश्वत रेखा सबसे ज्यादा गर्मी विश्वत रेखा समझ आ गया तो एक एक चीज तो कन्फर्म हो गया ये विश्वत रेखा के बाद कि भैया इसकी जो गर्मी है भयानक और जैसे जैसे गर्मी पड़ेगा ये जो समुन्दर देख रहे हैं समुंदर का पानी भाव बनकर ऊपर उठेगा गर्मी के कारण कोई भी पानी एभापोरेट हो जाएगा यानी क्या बन जाएगा वाष्प बन के ऊपर उठ जाएगा और यही वाष्प ऊपर जाके बना लेता है बादल तो रेखा के पास खूब ज़्यादा बादल हो जाएंगे और इतने बादल हो जाएंगे कि वहाँ वर्षा हो जाएगी तो रेखा के पास डेली दो बजे वर्षा हो जाती है कैसे हो जाती है विस्वत रेखा के पास भयानक गर्मी गर्मी के कारण वाष्प एभापोरेशन होता है और ये एभापोरेशन होने के बाद बादल बन जाते हैं और ये बादल बरसोर मेघा मेघा बरस जाते हैं तो आप कहेंगे कि सर ये दो बजे काहे है बोले हैं चार बजे काहे नहीं बोले तो रे बबुआ एक बात सुनो धूप में जो गर्मी आती है वो आठ बजे के बाद आती है

कहाँ बारिश होती है तो कोई सुनिए क्वेश्चन पूछा था आपका छत्तीसगढ़ वाले में तो छत्तीसगढ़ के पीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था दो से चार में डेली वर्षा कहाँ होती है तो लड़का मार दिया था मासीराम मेघालय के चेरापूंजी मासीराम <laughs> वहां भाई साहब तीन सौ पैंसठ दिन वर्षा होती है दो से चौ दो बजे से चार बजे के बीच में जो वर्षा होती है वो विश्वत रेखा पे होती है क्यों होती है समझ में आ गया समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है इंग्लिश में अरे पी, पकड़ पीडीएफ पीडीएफ चिल्लाता है पे इधर देखो इंग्लिश में भी बोलिए अरे भाई वर्षा को रेन बोलते हैं रेन 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 टू पी से अरे गर्मी को हीट बोलते हैं वाष्प को बोलते हैं बादल को क्लाउड बोलते हैं ये कौन चीज है लंदन से आया हुआ है भाई इतना तो समझ ही रहे हैं आप लोग तो ये हो गया गर्मी से अब फिर कहेंगे इसको पत्ती से क्या लेना देना है एक बात बताइए भैया जहां बारिश ज्यादा होगी वहां पेड़ पौधे निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे तो जो बिस्वत रेखा है वहां पेड़ पौधे बहुत ही ज्यादा निकलते हैं तो क्वेश्चन कहेगा रेखा के पेड़ पौधे घने होते हैं कि हल्के होते हैं सब डेंसर होते हैं कि रेयर होते हैं बहुत डेंसर होते, होते, है। होते हैं बहुत घने होते हैं क्योंकि पानी की कमी नहीं धूप की कमी नहीं भैया धूप और पानी तो पेड़ पौधों को चाहिए दूसरा क्या चाहिए धूप नहीं मिलेगा तो भी सूखेगा पानी नहीं मिलेगा तो भी सूखेगा विश्वत रेखा पे ना धूप की कमी ना पानी की पानी हुमच के पेड़ निकलते हैं सब तो बहुत ही घने जंगल कहाँ पाए जाते हैं विश्वत रेखा के पास ये ब्राजील दिख रहा है हाँ ब्राजील के जो जंगल हैं वो कैसे जंगल हैं विश्वत रेखीय जंगल हैं अब एक बात यहाँ समस्या चालू हो जाता है कौन सी समस्या तो भैया ये जो पेड़ है पानी तो सबको मिलेगा क्योंकि सबका जड़ जमीन पे है अब पानी बरसने के बाद जमीने पे आएगा लेकिन समस्या हो जाएगी धूप की समस्या किसकी होगी धूप की धूप की कैसी समस्या हो जाएगी भैया धूप की तो धूप की समस्या ऐसे होगी कि जो पेड़ ज्यादा ऊंचा होगा उसको धूप ज्यादा और जो नीचे में ठेमरा गया उसको धूपे नहीं मिलेगा इसका मतलब विश्वत रेखा के पेड़ों के बीच पानी को लेकर कोई कंपटीशन नहीं होगा मेन जो कंपटीशन होगा वो धूप को लेकर होगा जो पेड़ ऊंचा उसको धूप ज्यादा जो पेड़ नीचे उसको धूप कम इसका मतलब जो धूप होते हैं उसके चक्कर में ये पेड़ पौधे में कंपटीशन होता है इसलिए जो पेड़ होते हैं वो लोग क्या करते हैं उठने लगते हैं पेड़ पौधे लंबे होने लगते हैं किस लिए लंबे होते हैं क्योंकि इनको क्या चाहिए धूप चाहिए तो बताइए बिश्वत रेखा के पेड़ पौधे लंबे होते हैं कि नाटे होते हैं लंबे होते हैं क्यों क्यों लंबे होते हैं अरे भैया क्यों लंबा होता है धूप लेने के लिए ऊपर जाएगा तो लंबा हो जाएगा और साथ साथ कैसा होता है पतला होता है कोई भी चीज़ को लंबा कीजिएगा तो क्या हो जाता है पतला हो जाता है अब बताइए लंबा पेड़ है बहुत लंबा पेड़ है और पतला है तो उसको क्या रहना पड़ेगा बहुत ही शक्तिशाली रहना पड़ेगा मजबूत रहना पड़ेगा नहीं तो गिर जाएगा तो बिस्वत रेखा के पेड़ धूप पाने के लिए लंबे हो जाते हैं और वो पतले होते हैं और बहुत मजबूत होते हैं वरना वो गिर जाएंगे और इनको पानी की कोई दिक्कत नहीं होता है इसलिए इनकी जो पत्ती होती है बहुत चौड़ी होती है क्योंकि पत्तियाँ क्या करता है पनिया को भास बना के उड़ा देता है इसलिए जहाँ पानी की कोई कमी नहीं उस चीज़ का पत्ती चौड़ा होगा कमल का फूल बहुत चौड़ा पत्ती पानी की कोई कमी नहीं और जहाँ पानी की कमी होगी वहाँ पत्ती छोटा होगा छोटा होगा छोटा होगा रेगिस्तान की पत्तियाँ कांटा बन जाती है तो लोग कहते हैं कांटा हो गया अरे बकलो कांटा नहीं था पत्ती था मजबूरी में लोगों से कांटा बना दिए लोग मजबूरी इंसान को कुछ बना देता है समझ आ गया कि नहीं आ गया तो विश्वत रेखा के पास पानी की कोई कमी है नहीं तो पत्ती कैसी चौड़ी पत्ती कैसे चौड़ी रेगिस्तान में पानी की कमी होती है पत्ती कैसा कांटा पत्ती कांटा हो जाती है पेड़ कैसा लंबा की नाटा लंबा मोटा की पतला पतला लचीला की मजबूत मजबूत होते हैं सब समझ आ गया कि नहीं आ गया किसी को कोई दिक्कत नहीं आगे बढ़े टाइमिंग खत्म हो रहा है तीन देखिए आज इतना समझ में आ गया आप लोगों को ये विषुवत रेखा के बारे में इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है गर्मी वगैरह का ये फर्स्ट क्लास था इसलिए थोड़ा सा आप लोग को भी टाइम मैनेजमेंट समझ में नहीं आया अब नेक्स्ट क्लास कल से होगा ए, सेम टाइम पे इससे पहले एक भी क्लास नहीं हो पाया था टेक्निकल प्रॉब्लम के वजह से ये आज नक्शा का फर्स्ट क्लास था पीडीएफ वगैरह कब लेना है क्या लेना है ये कल समझाएंगे आपको कैसे क्या लिखना है आप टेंशन छोड़ दीजिए हम गारंटी कहते हैं आप भूल नहीं सकते हैं किसी चीज़ को यहाँ पर बाकी आप गार हम आपको कहते हैं ना आप भूल के आइए किसी चीज़ को कोई पूछेगा तो विश्वत रेखा कि पत्ती चौड़ा होता है कि छोटा तो क्या कह देंगे छोटा होता है नहीं ना तो आई होप आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को अब क्लास की टाइमिंग कम बची हुई है अभी तो टाइमिंग है ही चलिए तो आप लोग को आज के लिए इतना ही रहने देते हैं फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आपको सारी चीज़ों को समझा देंगे आई होप आप इसको समझोगे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जय हिंद आपको कोई समस्या नहीं होगी आप फर्स्ट क्लास है इसलिए आप लोग को कुछ कन्फ्यूजन हो रहा होगा